जगह जगह पंचायत हो रही है, बहुत लोगों का दबाव है कि यहाँ भी आइए। जिस जनपद में पंचायत हो चुकी वहाँ कह रहे हैं इस गांव में इस पट्टी में कभी नहीं हुआ प्रोग्राम, यहाँ आइए। और ऐसे में कोई थकान भी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि पांव के कांटे और छाले इंसान को तब दिखते हैं जब वह दिल में मन में थक जाता है। आप खड़े हो देश के किसान को हिम्मत देने के लिए। जो किसान 100 दिन से ज्यादा सड़कों पे हैं, आंधी आ जाए तो ले रहे हो, आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आपने वे सारी बंदिशें तोड़ दी जो गलत फहमी लोग पाला करते थे कि यहाँ का आदमी बटा हुआ है, यहाँ का आदमी अपने व्यवसाय में व्यस्त है, अब उसे काम धंधे से फुर्सत नहीं कि वह कोई न्याय अन्याय की बात पहचाने और लड़ाई लड़ पाए। नहीं, जब जब किसान आंदोलन देश में हुए हैं, सुलगे हैं, बड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की हमेशा विशेष भूमिका रही है। चौधरी चरण सिंह जी के समय से माया त्यागी कांड पे आपने जब जेल भरी थी, और यहाँ तो पूरा मसला हमारा है, पूरी बात हमारी है, हमारी खून की पुकार है। जो लोग हमसे टक्कर लेना चाहते हैं वह कहते हैं कि ये किसान नहीं, उन्हें किसान नहीं दिख रहे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मुझे आप इंसान नहीं दिख रहे हो, आपकी इंसानियत खत्म हो चुकी है। जो लोग हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, कितनी बेहूदी बात, सड़क पे बैठे किसान भी देश के हैं, वे भी आपके, वोट दी हो ना दी हो, देंगे नहीं देंगे, आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति बनती है। कृषि मंत्री वहां कहते हैं कि 250 से ज्यादा आदमी जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या कहना है, उनका ये तो मर रहे, रोज मर रहे, ये अपने गांव में रहते, घर में रहते, वहां भी मरते, बहुत आपत्तिजनक बात है। ये कोई साधारण बात नहीं, कोई आम आदमी ऐसी बात बोल ही नहीं सकता। वह आदमी जो एक भी दिन धरने पर ना गया हो, वह आदमी जिसने जीवन में एक भी दिन खेती किसानी ना की हो, वह भी अगर उससे पूछा जाएगा वह कहेगा बुरा हो रहा है किसानों के साथ। और इनके अंदर इतना अहंकार भर गया, हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, बचपन विधायकों ने वोट दे दी, अब थी कितना अहंकार भर गया इनके अंदर, कितनी गलत फहमी इन्होंने पाल ली। ये हमेशा नहीं रहती, ये सत्ता ये जनता का आशीर्वाद है जब देती है विश्वास के साथ, लेकिन जहां तय कर दे तो ले भी सकती है वापस। आपने वहां तो अपना जो है जीत लिया चुनाव, लेकिन मैं एक एक विधायक को हिदायत दे रहा हूं, कह रहा हूं समय रहते आप भी जो है सुधर जाओ, क्योंकि वहां सदन के अंदर की वोट आप जीत गए, वहां विश्वास मत आप जीत गए, लेकिन देश के किसानों का विश्वास आप खो चुके। आप बीजेपी के नेताओं को जो बहुत बड़ा गुलामी का बोझ सह रहे हैं, थोड़ी बहुत रीढ़ की हड्डी दिखाओ, कभी तो कुछ ये मौके हैं, आओ दिखाओ कि तुम्हारा खून गर्म है, तुम्हें आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, किसानों के साथ आना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं, फैसला तो जनता ले चुकी है, ये पहली सभा नहीं, पंचायत नहीं, लगातार जैसे जैसे हम जा रहे हैं मैं महसूस कर रहा हूं। पहले इन्होंने कहा साहब पश्चिमी यूपी में कुछ नहीं हो रहा, तो यहां होने लगी बड़ी बड़ी सभा पंचायत, फिर उन्होंने कहा ये जाटों का आंदोलन है, यहां देख लो सब जाति के सब वर्ग के लोग, गिनती कर लो कौन क्या है, कैसे पहचान करोगे। फिर उन्होंने कहा ये तो पश्चिम के कुछ लोग कर रहे हैं, वहां बस्ती में भी पंचायत हो गई। 15 तारीख को मैं वहां टांडा में कार्यक्रम करने जा रहा हूं, 20 तारीख को प्रयागराज में किसान पंचायत होगी, वहां देख लो कितने जाट हैं। जाति का सवाल तुम उछाल के ये सोच रहे हो कि बाकी लोग हमारे पक्ष में हो जाएंगे, लेकिन जो लोग
एक समुदाय को या जाति को घेर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं उनको कि ये जो चेतना जागी है ये हटने वाली नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने पीछे और होगा, ठीक है, अभी भावनाएं जो है भड़क गई हैं, लोग अभी नाराज हैं, भूल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं जय श्री राम पे चुनाव नहीं होगा। चुनाव छोटा हो बड़ा हो, 22 का हो 24 का हो, ये पंचायत का होने जा रहा उसका हो, ये बात समझ लो। हमारे लिए भोले बाबा हो, राम हो, हनुमान हो, किशन हो, वे अन्नदाता है, वे किसान है, वे भगवान का रूप है, और वे किसान फैसला लेंगे। आपके ये खोखले नारे नहीं जीतेंगे जो हमारी जीविका को प्रभावित ध्वस्त करने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं, उनका इलाज करेंगी पब्लिक। यही किसान, यही अन्नदाता, हम तय करेंगे, मुद्दे हमारे जीतेंगे, मुद्दे आपके नहीं चलेंगे, बहुत हो गया। ये चाहते हैं कि आप जो है अजीब परिस्थिति, जो शासक होता है वो कभी नहीं चाहता, वह तो ये नहीं चाहेगा कि दरारें बढ़े, तो वो शासक है, उसकी जिम्मेदारी है। शासक तो ऐसा होना चाहिए जो सोचना, जिसकी सोच ऐसी हो कि दरार कम हो, घाव भरे जाएं। लेकिन जब लखनऊ से उठ के आते हैं बाबा, जब पश्चिमी यूपी में कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, आप खुद सुन लीजिए, मुजफ्फरनगर 2013 के अलावा या एक फर्जी कैराना पलायन के मुद्दे के अलावा कहीं कुछ बोलते हो, वही बात। ये शासक है, ये भला चाहते हैं आपका, ये तरक्की चाहते हैं आपकी। अगर चाहे होते तो ये बात बार बार वही घाव जो बांटने वाली बातें हैं, कमजोर बातें हैं, उन्हें याद दिलाना चाहते। आज जो चेतना जाग गई, कौन जाट, कौन गुजर, कौन यादव, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, गांव गांव में लोग कह रहे हैं, आपने उनको सोचने को मजबूर किया है कि हम तो किसान हैं, हम तो मजदूर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो पिछड़ रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम बेहद कमजोर हैं। इकट्ठे हो जाओ भाई, एकता बना लो, यही मौका है। लगातार 100 दिन से अखबार हो, मीडिया हो, किसी प्रकार का हो, सोशल मीडिया हो, किसान 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 चल रही है, आपकी चर्चा है, लोहा गर्म है, आपका दबाव बन रहा है, बढ़ रहा है। ये मसला सिर्फ कोई एक 3 कानून का भी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है जो आप लड़ सकते हो। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत खोई नहीं थी लेकिन भूल बैठे थे, ये तो अब किसानों को लग रहा है, भाई अब तो इकट्ठे होने लग रहे, देखो अब कौन आगे टिकेगा, आपके आगे कौन टिक पाएगा। यही वो भूचाल है जिसने यहीं से निकाल के चौधरी चरण सिंह जी को गांव से ये देश में सबसे बड़े पदों पे और मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। यही वो ताकत, यही वो एकता। और बाकी कानून की बात भी आप समझ चुके हो क्या है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं आजाद करना चाहता हूं, यहां का बहुतायत में किसान जो गन्ने के अलावा भी जो फसलें हैं, यहां हमारे यहां मंडियों में विस्तार नहीं हो पाया, मंडी के ढांचे पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। चौधरी साहब ने 1964 में कानून बनाया था, आप ही के लिए बनाया, किसान समझता है कि हमारे लिए बनाया होगा, जो चौधरी साहब ने किया होगा ठीक किया, वो समय भी ठीक था। सरकार की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, सरकार पूरी तरह पीछे हट जाएगी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यहां का किसान तो पहले भी हरियाणा जाके बेचता था, तुमने किस किसान को आजादी दे दी, और यहां से कौन उठ के जो है भोजपुर से उठ के जाके केरल में बेचेगा, नहीं बेच पाएगा। या कौन सा किसान, अभी बात हो रही थी कि अपना भंडार बनाएगा गांव में जो वहीं रखेगा, तो मजबूरी में है। बिहार 2006 में जो व्यवस्था आज पूरे देश में लागू करना चाहते हैं जबरदस्ती, वहां की राज्य सरकार ने 2006 में इसी तरह के प्रस्ताव पारित कर दिए। वहां का क्या अनुभव है 15 साल में, वहां के किसान के आपसे ज्यादा तरक्की कर चुके, या उन्हें वहां कोई मंडियां हैं, या कोई बोली भी लगती है वहां,
ये जो भ्रम फैला रहे कि प्राइवेट लोग मंडी बनाएंगे, मंडी एक भी नहीं बनेगी। अदानी को मंडी नहीं बनाने वाला प्राइवेट, वह तो जो कमजोर वर्ग है उनके बीच में दलाल नए पैदा होंगे, खेत से ही खरीदा जाएगा, कोई बोली नहीं लगेगी, कोई ग्रेडिंग नहीं होगी, और पैन कार्ड से कोई भी आके खरीद ले, पेमेंट कब मिलेगा, कहां उसको किसान पकड़ेगा। अगर ये आपके हित का कानून होता तो सरकार ने प्रावधान ही क्यों किया कि कोई किसान जो है, अगर किसी किसान की कोई शिकायत होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद, वह कोर्ट नहीं जा सकता। मतलब कानूनी प्रक्रिया से आपको पूरी तरह से बाहर रखने का, वंचित करने का, ये ऐसी सोच रखने वाले लोग, ऐसी सोच पालने वाले लोग, ऐसे कानून बनाने वाले लोग, ये आपके हितेशी होंगे। अगर आपके हितेशी होते तो गन्ने के पत्ती जलाने पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, कोई एक भी किसान है यहाँ जो 1 करोड़ का जुर्माना दे सकता है? सारी जमीन बेच लोगे तब भी ना मिले, छोटी छोटी जमीनें हैं। ऐसे प्रस्ताव, ऐसे कानून, यहाँ 10 साल से पुराने ट्रैक्टर कितने घरों में है ईमानदारी से बता दो, चिंता ना करो। अब क्या करोगे, गडकरी तो कह रहे हैं नए खरीद लो, क्या बात, क्या आफत आ रही, वो तो स्क्रैप जाएगा स्क्रैप। ऐसे कानून बन रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ऐसे कानून? आपकी आय दुगनी करने को बना रहे ना, आपने सुना नहीं, हाय दुगनी करने को बना रहे। इन्हें अपनी आय बढ़ानी है, इनकी मौज हो रही मौज। पिछला साल सबके लिए कठिन गया, लॉकडाउन था, यहाँ इस क्षेत्र के बहुत बच्चे, बहुत मजदूर डेली अप डाउन करते हैं, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपने अपने ठिकाने बना रखे, काम जोड़ रखे हैं, और तुरंत लॉकडाउन हुआ बिना किसी से पूछे, बिना किसी को पहले सूचित किए कि वो तैयारी भी कर लेते, प्लान करने को मजबूर हुए, छोटे मोटे कारोबार सब ठप हुए, और परिणाम क्या है पता है, जीडीपी तो ठप हो गई, नेगेटिव में है, और अंबानी जी ने हर घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए। पिछले साल में अरबपतियों की संख्या भारत में बढ़ गई, या एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो पिछले 1 वर्ष में जिसके घर की कोई व्यवस्था में कोई सुधार हुआ। आर्थिक तंगी है, सब पे तनाव है, सब पे कर्जा है, चुकाने का बोझ नहीं, और इनकी आदत यही है, पहले आदत देते हैं और फिर जो है बोझ। पहले कहा गरीब को सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो, फ्री में ले लो, अब कह रहे नाली चल तो रही गांव में, वहीं पाइप लगा लो। मोदी जी साइंटिस्ट हैं, फिर उन्होंने कहा मीटर लगाओ भाई, गरीब के घर में कभी बिजली का मीटर नहीं लगा। अभी सड़क को देख लो, सड़क के लिए 8 साल पहले हम और आपने पद यात्रा की थी, यहीं तब ये बनी नहीं थी, शुरुआत भी नहीं हुई थी इसके, यही वहीं मोदी नगर से चल के आए थे, ध्यान है सबका। सड़कें बन रही है ठीक है, लेकिन टोल, और टोल भी जो है पहले ऑनलाइन जो है होगा, और वहां जाती गाड़ी लेके, लोकल कुछ नहीं है, लोकल कुछ मत मानो कि हम तो लोकल हैं, रोज लड़ना पड़ेगा वहां। तो ऐसी लोगों के अंदर आदत बनाते हैं, भ्रम बनाते हैं, और फिर जो है धीमे धीमे गरीब परिवारों पे बोझ मोदी जी बढ़ा रहे हैं, और इनके मित्र मंडली के लोग मौज कर रहे हैं। अभी कहते साहब नहीं नहीं अदानी को इसमें कोई फायदा नहीं, जो कानून बने, अदानी के पास रेल है, अदानी के पास पोर्ट है, अदानी पहले ही FCI के गोदामों में सारा काम उन्होंने ले रखा है, जमीनें ले रखी है बड़े पैमाने पर, यहाँ जो है गोदाम बनेंगे, कई लाख मेट्रिक टन के अनाज के भंडारण की व्यवस्था अदानी पे है। अदानी पे बासमती चावल का ब्रांड है, वो जो चाइना के अच्छे मार्केट में जो सप्लाई करने की अनुमति के 5-6 ब्रांड है उनमें अदानी का ब्रांड है, यानी मार्केटिंग ब्रांडिंग किसान से पूरी जो व्यवस्था है, सारी जो कड़ियां हैं वहां अदानी मौजूद है।
मौजूद क्या उसका कब्जा है और फिर भी कह रहे हैं अदानी को फायदा नहीं। कौन मान रहा है इस बात? मोदी जी आए थे मेरठ में, झूठ इतना बोले। मेरठ में आए थे, कहा भाई गुजरात में तो नकदी फसल है गन्ने की, ओ हाथ के हाथ पेमेंट होता है, यहाँ तो 14 दिन में होगा, और रेट की भी कह गए थे शायद 450 रुपए। बताओ कितने साल हो गए बढ़ाया उन्होंने गन्ने।